ग्यारहवां अध्याय। स्वयंभू मनु का ध्रुव जी को युद्ध बंद करने के लिए समझाना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ऋषियों का ऐसा कथन सुनकर महाराज ध्रुव ने आचमन कर श्री नारायण के बनाए हुए नारायणास्त्र को अपने धनुष पर चढ़ाया। उस बाण के चढ़ाते ही यक्षों द्वारा रची हुई नाना प्रकार की माया उसी क्षण नष्ट हो गई, जिस प्रकार ज्ञान का उदय होने पर अविद्यादि क्लेश नष्ट हो जाते हैं। ऋषिवर नारायण के द्वारा आविष्कृत उस अस्त्र को धनुष पर चढ़ाते ही उससे राजहंस के से पक्ष और सोने के फल वाले बड़े तीखे बाण निकले, और जिस प्रकार मयूर केकारव करते वन में घुस जाते हैं, उसी प्रकार भयानक साय साय शब्द करते हुए वे शत्रु की सेना में घुस गए। उन तीखी धार वाले बाणों ने शत्रुओं को बेचैन कर दिया। तब उस रणांगण में अनेकों यक्षों ने अत्यंत कुपित होकर अपने अस्त्र शस्त्र संभाले, और जिस प्रकार गरुड़ के छेड़ने से बड़े बड़े सर्प फन उठाकर उनकी ओर दौड़ते हैं, उसी प्रकार वे इधर उधर से ध्रुव जी पर टूट पड़े। उन्हें सामने आते देख ध्रुव जी ने अपने बाणों द्वारा उनकी भुजाएं, जांघें, कंधे और उदर आदि अंग प्रत्यंगों को छिन्न भिन्न कर उन्हें उस सर्वश्रेष्ठ लोक अर्थात सत्यलोक में भेज दिया, जिसमें ऊर्ध्वरेता मुनिगण सूर्यमंडल का भेदन करके जाते हैं। अब उनके पितामह स्वयंभू मनु ने देखा कि विचित्र रथ पर चढ़े हुए ध्रुव अनेकों निरपराध यक्षों को मार रहे हैं, तो उन्हें उन पर बहुत दया आई। वे बहुत से ऋषियों को साथ लेकर वहां आए और अपने पौत्र ध्रुव को समझाने लगे। मनु जी ने कहा, बेटा बस बस, अधिक क्रोध करना ठीक नहीं, यह पापी नरक का द्वार है। इसी के वशीभूत होकर तुमने इन निरपराध यक्षों का वध किया है। तात, तुम जो निर्दोष यक्षों के संहार पर उतर रहे हो, यह हमारे कुल के योग्य कर्म नहीं है। साधु पुरुष इसकी बड़ी निंदा करते हैं। बेटा, तुम्हारा अपने भाई पर बड़ा अनुराग था, यह तो ठीक है, परंतु देखो, उसके वध से संतप्त होकर तुमने एक यक्ष के अपराध करने पर प्रसंगवश कितनों की हत्या कर डाली। इस जड़ शरीर को ही आत्मा मानकर इसके लिए पशुओं की भांति प्राणियों की हिंसा करना, यह भगवत सेवी साधुजनों का मार्ग नहीं है। प्रभु की आराधना करना बड़ा कठिन है, परंतु तुमने तो लड़कपन में ही संपूर्ण भूतों के आश्रय स्थान श्री हरि की सर्वभूतात्म भाव से आराधना करके उनका परम पद प्राप्त कर लिया है। तुम्हें तो प्रभु भी अपना प्रिय भक्त समझते हैं तथा भक्त जन भी तुम्हारा आदर करते हैं। तुम साधु जनों के पथ प्रदर्शक हो, फिर भी तुमने ऐसा निंदनीय कर्म कैसे किया? सर्वात्मा श्री हरि तो अपने से बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटों के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करने से ही प्रसन्न होते हैं, और प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर पुरुष प्राकृत गुण एवं उनके कार्य रूप लिंग शरीर से छूटकर परमानंद स्वरूप ब्रह्म पद प्राप्त कर लेता है। बेटा ध्रुव, देहादि के रूप में परिणत हुए पंचभूतों से ही स्त्री पुरुष का आविर्भाव होता है, और फिर उनके पारस्परिक समागम से दूसरे स्त्री पुरुष उत्पन्न होते हैं। ध्रुव, इस प्रकार भगवान की माया से सत्वादि गुणों में न्यूनाधिक भाव होने से ही जैसे भूतों द्वारा शरीरों की रचना होती है, वैसे ही उनकी स्थिति और प्रलय भी होते हैं। पुरुष श्रेष्ठ, निर्गुण परमात्मा तो इनमें केवल निमित्त मात्र है। उसके आश्रय से यह कार्य कारणात्मक जगत उसी प्रकार भ्रमता रहता है जैसे चुंबक के आश्रय से लोहा। काल शक्ति के द्वारा
क्रमशः सत्वादि गुणों में क्षोभ होने से लीलामय भगवान की शक्ति भी सृष्टि आदि के रूप में विभक्त हो जाती है। अतः भगवान अकर्ता होकर भी जगत की रचना करते हैं और संहार करने वाले न होकर भी इसका संहार करते हैं। सचमुच उन अनंत प्रभु की लीला सर्वथा अचिंतनीय है। ध्रुव, वे काल स्वरूप अव्यय परमात्मा ही स्वयं अंत रहित होकर भी जगत का अंत करने वाले हैं तथा अनादि होकर भी सबके आदि करता हैं। वे ही एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न कर संसार की सृष्टि करते हैं तथा मृत्यु के द्वारा मारने वाले को भी मरवा कर उसका संहार करते हैं। वे काल भगवान संपूर्ण सृष्टि में समान रूप से अनुप्रविष्ट हैं। उनका न तो कोई मित्र पक्ष है और न शत्रु पक्ष। जैसे वायु के चलने पर धूल उसके साथ साथ उड़ती है, उसी प्रकार समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर काल की गति का अनुसरण करते हैं, अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख आदि फल भोगते हैं। सर्वसमर्थ श्री हरि कर्म बंधन में बंधे हुए जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित हैं। राजन, इन परमात्मा को ही मीमांसक लोग कर्म, चार्वाक स्वभाव, वैशेषिक मतावलंबी काल, ज्योतिषी दैव और कामशास्त्री काम कहते हैं। वे किसी भी इंद्रिय या प्रमाण के विषय नहीं हैं। महदादि अनेक शक्तियां भी उन्हीं से प्रकट हुई हैं। वे क्या करना चाहते हैं इस बात को भी संसार में कोई नहीं जानता। फिर अपने मूल कारण उन प्रभु को तो जान ही कौन सकता है। बेटा, ये कुबेर के अनुचर तुम्हारे भाई को मारने वाले नहीं हैं, क्योंकि मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। एकमात्र वही संसार को रचता, पालता और नष्ट करता है, किंतु अहंकार शून्य होने के कारण इसके गुण और कर्मों से वह सदा निर्लेप रहता है। वे संपूर्ण प्राणियों के अंतरात्मा, नियंता और रक्षा करने वाले प्रभु ही अपनी माया शक्ति से युक्त होकर समस्त जीवों का सृजन, पालन और संहार करते हैं। जिस प्रकार नाक में नकेल पड़े हुए बैल अपने मालिक का बोझा ढोते रहते हैं, उसी प्रकार जगत की रचना करने वाले ब्रह्मादि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। वे अभक्तों के लिए मृत्यु रूप और भक्तों के लिए अमृत रूप हैं तथा संसार के एकमात्र आश्रय हैं। तात, तुम सब प्रकार उन्हीं परमात्मा की शरण लो। तुम 5 वर्ष की ही अवस्था में अपनी सौतेली माता के वाग बाणों से मर्माहत होकर मां की गोद छोड़कर वन को चले गए थे। वहां तपस्या द्वारा जिन ऋषिकेश भगवान की आराधना करके तुमने त्रिलोकी से ऊपर ध्रुव पद प्राप्त किया है और जो तुम्हारे वैर भावहीन सरल हृदय में वात्सल्यवश विशेष रूप से विराजमान हुए थे, उन निर्गुण, अद्वितीय, अविनाशी और नित्य मुक्त परमात्मा को अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो। उनमें यह भेदभावमय प्रपंच न होने पर भी प्रतीत हो रहा है। ऐसा करने से सर्वशक्ति संपन्न परमानंद स्वरूप सर्वांतर्यामी भगवान अनंत में तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी और उसके प्रभाव से तुम, मैं, मेरेपन के रूप में दृढ़ हुई अविद्या की गांठ को काट डालोगे। राजन, जिस प्रकार औषधि से रोग शांत किया जाता है, उसी प्रकार मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उस पर विचार करके अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। भगवान तुम्हारा मंगल करें। क्रोध के वशीभूत हुए पुरुष से सभी लोगों को बड़ा भय होता है। इसलिए जो बुद्धिमान पुरुष ऐसा चाहता है कि मुझसे किसी भी प्राणी को भय न हो
और मुझे भी किसी से भय न हो, उसे क्रोध के वश में कभी न होना चाहिए। तुमने जो यह समझकर कि ये मेरे भाई के मारने वाले हैं, इतने यक्षों का संहार किया है, इससे तुम्हारे द्वारा भगवान शंकर के सखा कुबेर जी का बड़ा अपराध हुआ है। इसलिए बेटा, जब तक कि महापुरुषों का तेज हमारे कुल को आक्रांत नहीं कर लेता, इसके पहले ही विनम्र भाषण और विनय के द्वारा शीघ्र उन्हें प्रसन्न कर लो। इस प्रकार स्वयंभुव मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को शिक्षा दी। तब ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया। इसके पश्चात वे महर्षियों के सहित अपने लोक को चले गए।